मंदसौर के मलारगढ़ सीट से मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा शानदार तरीके से जीत गए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनता ने जिस रिपोर्ट कार्ड में उनके आगे पास लिखा है, उस रिपोर्ट कार्ड में उनको नंबर जो मिले हैं वो है 1,15,498। 1,15,498 लोगों ने वोट किया है जगदीश देवड़ा जी को। और कांग्रेस के प्रत्याशी जो परशुराम सिसोदिया हैं, ये फेल हो गए बुरी तरह, तीसरे नंबर पे आए हैं और इनको कुल 36,163 वोट मिले हैं। जगदीश देवड़ा का मुकाबला जिनसे था वो है श्यामलाल जोगचंद, निर्दलीय प्रत्याशी थे श्यामलाल जोगचंद, इनको 56,474 वोट मिले हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पे पहुंच गई है। ये जगदीश देवड़ा के मुकाबले में कांग्रेस कहीं थी ही नहीं। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं जगदीश देवड़ा, बेहद मिलनसार और सीधे सच्चे मालवीय इंसान माने जाते हैं। इनमें कहीं कोई खोट नहीं है। राजनीति में इस तरह के लोग अब दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप सब पे लगते हैं, लेकिन जब जो भी कोई जगदीश देवड़ा से मिलता है उसके बाद वो उनकी आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि एक सहज सामान्य आदमी बहुत छोटी सी जगह से निकल के राजनीति करता है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में वित्त मंत्री बन के बैठता है और मध्य प्रदेश के वित्तीय प्रबंधन को संभालता है, तो उसमें तमाम सारी क्षमताएं होती ही हैं। और शिवराज सिंह के बड़े भरोसेमंद रहे हैं जगदीश देवड़ा। जगदीश देवड़ा कोई अभी से नहीं, सुंदरलाल पटवा के जमाने से बीजेपी में राजनीति करते आए और लंबा अनुभव है उनको, संसदीय ज्ञान पर्याप्त है। और इसके बावजूद उनमें लेश मात्र भी गुरूर और घमंड जैसी चीजें उनके पास फटक नहीं पाई है। ये जगदीश देवड़ा की खूबी है जो उनको 1,00,000 से ज्यादा वोट दिलवा देती है। बिल्कुल, जगदीश देवड़ा की छवि ऐसी है कि जनता उनसे सीधे तौर पर जुड़ाव महसूस करती है, उनसे प्रभावित होती है। जमीनी नेता है, लोगों के बीच आना जाना लगा रहता है और एकदम लोगों के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनते हैं, उनका दुख दर्द सुनते हैं, जानते हैं और तमाम मांगों को सुनकर उनको पूरा करने का प्रयास भी करते हैं। तो जनता ऐसे तमाम नेताओं का बहुत सम्मान भी करती है और जब भी चुनाव का दिन आता है तो ऐसे नेताओं के लिए मतदान भी करती है। और जगदीश देवड़ा की ये जीत बताती है कि राजनीति में अभी भी कई ऐसे अच्छी छवि के नेता मौजूद हैं जो अपनी बेदाग छवि के चलते चुनाव जीत जाते हैं। लंबा लंबा तजुर्बा है अदीब जगदीश देवड़ा साहब को, और जिस मालवा से वो आते हैं वहाँ संघ और बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। वहाँ बहुत आसान नहीं होता कांग्रेस के लिए जीतना। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब की बात अलग है, लेकिन पिछले 20 सालों में तो काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है मालवा में भी। और जगदीश देवड़ा जैसे जो लोग हैं वो चूंकि बहुत आम लोगों जैसा बर्ताव करते हैं या आम लोग ही हैं, इसका फायदा उनको भरपूर मिलता है और जनता की कसौटी पर वो खड़े भी पाए जाते हैं। नेता सच्चा हो, नेता अच्छा हो, और कौन से नेता सच्चे हैं, कौन से नेता अच्छे हैं, इस सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का ये दौर जारी रहेगा। आप बस दखल न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी खबरों को शेयर कीजिए, हमें लाइक कीजिए और जनता की आवाज उठाने के लिए, आपके हक में लड़ाई लड़ने के लिए देखते रहिए दखल न्यूज को। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।